बॉबी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली डिंपल की गिनती दिग्गज एक्ट्रेस में होती है। 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में वो लीड एक्ट्रेस रही। उनकी पहली फिल्म बॉबी ब्लॉकबस्टर थी, उसके बावजूद उन्होंने राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, लेकिन 10 सालों बाद उन्होंने फिल्मी पर्दों पर दमदार वापसी की। 10 सालों तक राजेश खन्ना और डिंपल की शादी चली, उसके बाद डिंपल अपनी दो बेटियों के साथ उनका घर छोड़कर चली गई। उन्होंने फिल्मों में दोबारा काम करना शुरू किया और फिल्म मंजिल मंजिल में काम करने के बाद उनका नाम सनी देओल के साथ जुड़ने लगा। फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताते थे। उस दौरान सनी देओल भी शादीशुदा थे और डिंपल भी। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल सनी देओल के प्यार में पड़ गई थी। डिंपल ने कभी भी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया, लेकिन उनके जिंदगी में सनी देओल भी सालों से बने हुए हैं। कुछ साल पहले सनी देओल के साथ डिंपल लंदन में नजर आई थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे थे। इनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। सनी और डिंपल के बीच 40 साल पुराना संबंध है। इस वीडियो से यह साफ है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, दोनों को इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। सनी देओल के परिवार के लोग भी इस सच को जानते हैं, तो वहीं डिंपल के परिवार में भी यह सभी को पता है। सनी देओल और डिंपल का रिश्ता बहुत गहरा है। यही वजह थी कि शादीशुदा होते हुए भी सनी डिंपल से मिलते रहे। उस समय तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि ट्विंकल खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान डिंपल और सनी की शादी की खबरें भी चारों ओर फैल गई थी, लेकिन बाद में ये बात अफवाह साबित हुई। सनी देओल ने कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया, तो वहीं डिंपल भी राजेश खन्ना से लीगली अलग नहीं हुई, लेकिन दोनों की गुपचुप लव स्टोरी सालों से जारी है। साल 2011 में दोनों को एक साथ मनाली में देखा गया था। सलमान खान की फिल्म दबंग में डिंपल ने काम किया था। फिल्म की शूटिंग महाबलेश्वर में चल रही थी और वहां सनी देओल डिंपल से मिलने गए थे। डिंपल कपाड़िया सनी देओल सालों से साथ हैं, बस वो इस लव स्टोरी की भनक किसी को नहीं लगने देते थे, लेकिन कुछ साल पहले जो वीडियो वायरल हुआ उससे सच सभी के सामने आ गया है। कहा जाता है कि सनी और डिंपल की लव स्टोरी उस वक्त कमजोर पड़ गई जब फिल्म जिद्दी की शूटिंग के दौरान सनी का रवीना टंडन पर दिल आ गया था। 1997 में आई फिल्म जिद्दी के दौरान रवीना टंडन अक्षय कुमार से प्यार में धोखा खाने के बाद बेहद दुखी थी और ऐसे में सनी देओल ने उन्हें सहारा दिया था, लेकिन डिंपल इस रिश्ते से बहुत दुखी हो गई थी और कुछ दिनों के लिए वो सनी से अलग भी हो गई थी। लेकिन जैसे ही सनी और रवीना का ब्रेकअप हुआ, डिंपल उनकी लाइफ में फिर से आ गई। डिंपल के पति राजेश खन्ना साल 2018 में गुजर गए थे। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और ऐसे में अब वो अकेले रहती है, लेकिन सनी देओल उनसे मिलते जुलते रहते हैं।